जय श्री राम दोस्तों, आज हमारा 28वां दिन है 30 डेज वर्कआउट सीरीज का और दो दिन बाद हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो आज हम करेंगे अपना बैक का वर्कआउट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दो दिन बचे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। बैक के वर्कआउट में पहली एक्सरसाइज हमारी आती है लेफ्ट पुल डाउन। इतना आपको कमर सीधी बिल्कुल, और ये आपका मूवमेंट होना, ज़्यादा आगे पीछे मूव नहीं करना, सीधा सीधा नीचे, ये आपका मूवमेंट होना चाहिए। सीधा सीधा कमर सीधी रखनी है, धीरे धीरे आपको मूवमेंट करना है। ये हमारी आज की पहली एक्सरसाइज, इसका आप कम से कम 5 सेट करना, ये आपका मूवमेंट आएगा। ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, ऊपर जाके रिलैक्स नहीं करना है, मसल को स्ट्रेच करके रखना है, ये मूवमेंट आपको करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है सीटेड केबल रोइंग। इसमें आपको ये कमर बिल्कुल सीधी, ये मूवमेंट रखना है आपने, आपको एक जगह फिक्स रखना है, ओनली आपका बैक का मसल मूव होगा, हैंड्स मूव होंगे, कमर बिल्कुल स्टिल रहेगी। इसके आपको 4 सेट करने हैं कम से कम, और ग्रिप बिल्कुल टाइट रखनी है, धीरे धीरे मूवमेंट करना है, बिल्कुल लाइक दिस, बिल्कुल धीरे धीरे, ये आपका मूवमेंट रहेगा। इसके आपको करना है 4 से 5 सेट। चलिए करते हैं अगली एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है रियर लेफ्ट पुल डाउन। इसमें आपको थोड़ा वाइड पकड़ के ये मूवमेंट आपका रहेगा। कुछ लोग इसको रिस्की भी बोलते हैं, बट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये एक्सरसाइज, ये आपके लेफ्ट के लिए बहुत अच्छी है। तो आपको 4 सेट करने हैं, इसके सेम मूवमेंट फॉलो करना है। ये थी हमारी लेट पुल डाउन, रियर लेट पुल डाउन। चले करते हैं अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज हमारी आती है टी बार। टी बार में आपको आपका पोजीशन का सारा गेम है, आपको कमर सीधी रखनी है, आंख बना के बिल्कुल, ये आपका मूवमेंट होना चाहिए। इसमें आपका शोल्डर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बैक के मसल से ये आपको पुल करना है, ये आपका मूवमेंट रहेगा। आप पोजीशन देख सकते हो, यही पोजीशन मेंटेन करनी है। इसमें लोअर बैक में इंजरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस एक्सरसाइज से, तो आपको बहुत ध्यान से करनी है एक्सरसाइज। इसके आपको करने हैं 4 सेट। चलिए करते हैं अगला वर्कआउट। अगली एक्सरसाइज हमारी आती है रिवर्स लेट पुल डाउन। इसमें हम ग्रिप को थोड़ा क्लोज रखेंगे, कमर सीधी, आर्क बना के रखेंगे, ये मूवमेंट रहेगा। ऊपर जाके यहाँ होल्ड करना है, पूरा रिलैक्स नहीं करना है, ऐसे यहाँ होल्ड करना, नीचे पूरा ऊपर होल्ड करके, ताकि आपके बैक के मसल को फुली एंगेज कर सकें, लेफ्ट और बैक के मसल को, ये आपका मूवमेंट रहेगा। इसके बाद हम करेंगे अगला वर्कआउट, इसके 4 सेट करेंगे। आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, ये मैं अपने बैक के वर्कआउट के फिनिशर की तरह यूज करता हूँ। इसमें आपको ये मूवमेंट रखना है, कमर सीधी, कमर का आर्क बना के रखना है, पूरा ऊपर तक नहीं जाना है आपको, जहाँ तक मसल आपकी स्ट्रेच रहे वहाँ तक जाना है, रिलैक्स नहीं होने देना मसल्स को, ये आपका मूवमेंट फॉलो करना है आपको। आज की हमारी आखिरी एक्सरसाइज है, इसके साथ हम अपना करेंगे बैक का वर्कआउट खत्म। तो इसके साथ हमारा बैक का वर्कआउट होता है खत्म। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।